हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो आ रही है BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है, क्योंकि BHU ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। किससे रिलेटेड? BSc नर्सिंग में एडमिशन से रिलेटेड एक बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज किया है। आपने अभी तक नहीं देखा हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको पता लग जाएगा उसमें क्या मिलेगा आपको देखने को। उसमें आपको सीट मैट्रिक्स आ गई, आपकी काउंसलिंग के बारे में उसने BHU ने उसमें डिस्कस किया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी BHU ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हो, यहां पे जाओगे आप एडमिशन वाले, यहां चल रहा है क्या चीज, नीट से एडमिशन के लिए चल रहा था कि आपका जो BHU में एडमिशन होगा तो वो नीट से होने वाला था। कैंडिडेट हूं आर इंटरेस्ट टू ज्वाइन BSc नर्सिंग कोर्सेस 2021 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शुड अप्लाई थ्रू UG नीट 2021। तो इसमें दे रखा था कि नीट का आपको एग्जाम देना जरूरी था, लेकिन इसके अलावा भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दूसरा आया है, इसको मत माना, ये नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर आपको फर्स्ट में ही नज़र आ रहा होगा ये वाला नोटिफिकेशन है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आप डाउनलोड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखाऊंगा उसको। यहाँ पर ये देख लेना, ये वाला नोटिफिकेशन ही है, देख लो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो चलो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। अब ये नोटिफिकेशन है जो रिलीज किया है BHU के द्वारा, एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन एंड सीट मैट्रिक्स फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ कैंडिडेट BSc नर्सिंग कोर्स 2021-22 थ्रू नीट UG कॉमन काउंसलिंग, यानी कि नीट UG की जो कॉमन काउंसलिंग होगी उसी के थ्रू आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके लिए ये नोटिफिकेशन BHU ने रिलीज किया है। एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं नर्सिंग के लिए, तो आपके पास आप नेशनलिटी होनी चाहिए क्या, द कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल होना चाहिए, एज होनी चाहिए आपकी, द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 17 to 25 ईयर ऑफ एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो वहाँ तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर से 25 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात है। थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट हु आर द इंडियन सिटीजन एंड मेडिकली फिट ऑल रेस्पेक्ट द फिजिकल एंड मेंटली फिट आर एलिजिबल टू अप्लाई एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स है। डिफरेंट एबलेड कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर BSc नर्सिंग कोर्स एट IMS BHU, यानी कि जो फिजिकल कैंडिडेट होते हैं वो BHU के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट अप्लाई है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में, यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, 10+2 होनी चाहिए और 10+2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट होने कंपलसरी है। बाकी आपसे बात करते हैं, आपको जो काउंसलिंग के टाइम पर डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, और डिमांड ड्राफ्ट किस टाइम किस नाम से बनेगा, 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, किस नाम से बनेगा, वो बनेगा द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के नाम से बनने वाला एज अ बॉन्ड अमाउंट है। तो ये इस नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और ये आपके तरह का एग्रीमेंट होगा और नॉन जजिकल स्टाम्प पेपर वगैरह सब कुछ आपके आने वाले हैं। तो ये इन चीज़ों पर सबको अलग से बात करेंगे, लेकिन आपका जो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनेगा किस नाम से बनेगा, 5,000 रुपये ओनली बनेगा और द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से बनने वाला है। अब हम बात करेंगे इसके टोटल सीट मैट्रिक्स के बारे में, हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर भी 75 सीट रखी गई थी, जब इनका BHU का खुद का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तब भी 75 सीट ही रखी गई थी और अभी भी आप ही के लिए 75 सीट रखी गई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ सीट आप देख सकते हो 75 है। UR कैटेगरी के लिए 31 सीट रखी गई है जो 41% कोटा के अंदर आता है, 35% सीट रखी गई है, ठीक है। बाकी बात करते हैं अगली कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए 20 सीट रखी गई है जो 27% कोटा के अंदर आता है। आप सभी बोलते हैं OBC के लिए आरक्षण कम है, लेकिन OBC के लिए आरक्षण है
एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ज़्यादा आरक्षण ओबीसी के लिए रहता है हमेशा, आप देख सकते हैं। और हाँ, हालांकि कास्ट ज़्यादा आती है, ज़्यादा उसमें जाती आती, लेकिन सब पॉपुलेशन ज़्यादा है ओबीसी की, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो आरक्षण सभी कैटेगरी से एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हमेशा ज़्यादा ही आरक्षण रहता है। नीट में भी 27% ही आरक्षण रहता है, सभी में सबसे ज़्यादा आरक्षण रहता है ओबीसी को, जनरल वालों से भी ज़्यादा आरक्षण ओबीसी को रहता है, बट लोग मानते नहीं है, ठीक है। 20 सीट इसके लिए रखी गई है, एससी कैटेगरी की 11 सीट रखी गई है, इसमें आरक्षण कितना है 15% इनको आरक्षण दिया गया है, 15% इनकी सीट रिजर्व है, बाकी जो 27% सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए रिजर्व है। एसटी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो ओनली 6 सीट रखी गई है, और इनके लिए जो रिजर्वेशन रहा है सबसे कम रिजर्वेशन रहा है 8% इनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। 8% रिजर्वेशन में इनके लिए 6 सीट आती है, तो इनको 6 सीट मिलेगी एसटी कैटेगरी वालों को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 सीट है, इनके लिए रिजर्वेशन 9% रखा गया है। कितना रखा गया है, वैसे तो 10% होना चाहिए, लेकिन इनके लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है वो 9% रखा है, किसके द्वारा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9% रखा गया है, बीएचयू में। तो आप सभी के लिए ये अपडेट था, अब आप बताओ आपके लिए सबसे पहले अपडेट कहाँ मिला। इसी चैनल पर आपको बीएचयू के बारे में अपडेट मिला होगा, जो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बीएचयू ने ये नोटिफिकेशन पहले रिलीज नहीं किया था। जैसे नोटिफिकेशन आया आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आपके लिए मैं बता दूँ, जो भी मैं एमसीक्यू पहले करवा चुका हूँ, बीएचयू के लिए मैंने सुपर एक्सप्रेस क्लासेस चलाई थी, वो क्लासेस जरूर अटेंड कर लेना। उनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके नीट के एग्जाम, 4 से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू उन क्लासों में से आएंगे, जो आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना है, बीएचयू सुपर एक्सप्रेस क्लास है, या आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएचयू सुपर एक्सप्रेस क्लासों के नाम से। तो 4 से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू डायरेक्ट के डायरेक्ट आपको नीट के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो क्लासेस जरूर अटेंड करना। जो भी नीट एस्पिरेंट हैं उन सभी के पास भी उन क्लासों को शेयर करना, क्योंकि उनमें क्या है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने करवाए थे लास्ट ईयर करवाए थे, वैसे इस साल नहीं करवाए, बीएचयू सुपर एक्सप्रेस क्लासों के नाम से वो क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी भी जाकर इस नोटिफिकेशन को इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हो। जैसे इसके लिए काउंसलिंग के एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, मैं बता दूंगा काउंसलिंग के एप्लीकेशन फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद आपके काउंसलिंग के एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है चैनल पर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचती, तो आप एक बार बेल आइकन बटन भी ऑन करना। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन नहीं कर रखा हो तो उसको जरूर बेल आइकन बटन ऑन कर लेना, ताकि आपको हर अपडेट टाइम से टाइम मिल जाए, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैंने नीट में भी एमसीक्यू स्टार्ट किए, रात में मैंने एक क्लास ली थी, कल एक क्लास ली थी, 8 बजे क्लास हुई थी, आज 12 बजे एक क्लास और होगी, जिसमें टोटल 50 एमसीक्यू है, वो ओनली मैंने 15 मिनट में कवर किए, 15 मिनट में वो एमसीक्यू कवर किए। इसके अलावा आज 8 बजे भी आपके लिए एमसीक्यू आएंगे, 8 बजे भी एमसीक्यू आएंगे, लगभग 50 एमसीक्यू उसमें आएंगे, वो भी 10 से 15 मिनट में कवर करूंगा। इसके अलावा जो आपकी क्लासेज होती है 7 बजे वाली नर्सिंग वालों के लिए, या उसमें भी आज मैं ओनली एमसीक्यू कराऊंगा, लगभग 30 एमसीक्यू कराऊंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्टिव एमसीक्यू रहेंगे, वो भी मैं आप सभी के लिए करवाने वाला हूँ आज। तो सभी जरूर अटेंड करना, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, क्लास में या नोटिफिकेशन का धन्यवाद।